यह होगा लाला का एक और भाई है और क्या एम्बुलेंस में एंट्री 303 आने वाला है। तो आज हम लोग इस वाली वीडियो में कुछ ऐसे ही डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और ये सभी डाउट्स आप लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था जिसे यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। और जितने भी कमेंट्स सभी लोगों को मेरे तरफ से बड़ा सा शाउट आउट। लास्ट वीडियो का जो पहला कमेंट है इसमें लिखा है कि सीजन 3 में एक विजार्ड डार्क एम्बुलेंस में था और दूसरा विजार्ड रियल एम्बुलेंस में था और हमें अभी सीजन 4 में सिर्फ एक ही विजार्ड दिखाया जा रहा है। तो अगर आप लोग इस जियो भाई की वीडियो देखते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि दूसरा वाला विजार्ड यानी कि असली विजार्ड का भाई कहाँ है। जो विजार्ड का भाई है यानी कि डार्क एम्बुलेंस वाला विजार्ड वुडलैंड मेंशन के अंदर रहता था और वहीं पर रहकर वो पता नहीं किस चीज की रखवाली कर रहा है। वेल जो दूसरा कमेंट है इसमें लिखा है कि क्या हीरोब्रान एंटिटी के साथ मिला है और क्या हीरोब्रान एविल है प्लीज पिन। सो गाइस जहां तक मेरा हिसाब है तो हीरोब्रान सीजन 5 में एंटिटीज के साथ मिल जाएगा और एविल दो बेशक है और मे भी हो सकता है कि हीरोब्रान अगले सीजन का विलेन भी हो जाए। एनीवेज गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो इसमें लिखा है कि नुबड़ा जी का जो नया नाम है नुबड़ा जी 1 2 3 4 5 हो सकता है कि एक हिंट हो जिसका मतलब है कि हिमलैंड सीजन 5 में खत्म हो जाएगा। तो गाइस मेरे हिसाब से हिमलैंड सीजन 5 में खत्म नहीं होगा क्योंकि देखो अभी हिमलैंड की ऑडियंस जो है बढ़ती जा रही है। जब एक टाइम ऐसा आएगा कि हिमलैंड की ऑडियंस कम होती जाएगी तो स्मार्टी भाई हिमलैंड को एंड कर देंगे और कोई नई सीरीज चालू करेंगे। बाय द वे हम लोग बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। जो तुम लोग कमेंट करते हो प्लीज यार उसको इंग्लिश में ना करो, ट्रांसलेट करना पड़ता है यार, समझा करो। एनीवेज अब हम लोग देख लेते हैं अपने अगले कमेंट को। तो इसमें लिखा है कि क्या सुपर पावर स्वॉर्ड होगा लाला और हुला लाला को मार सकती है। तो मैं भी ऐसा हो सकता है क्योंकि जो सुपर पिकेक्स थी उससे हम लोग ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं जो कि अनब्रेकेबल होते हैं और उन सभी को फलाना जी के अलावा एंटिटीज ही बनाती है। तो मैं भी हो सकता है कि जिस तरीके से एंटिटीज के ब्लॉक को पिकेक्स तोड़ सकती है उसी तरह से एंटिटीज को सुपर पावर वाली स्वॉर्ड मार सकती है। बाय द वे हम लोग बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। तो इसमें लिखा है कि क्या किंग गॉर्डन सीजन 5 में राजा होगा। तो मैं भी हो सकता है कि सीजन 5 में सारे एंटिटीज और डेविल खत्म हो जाएंगे और फिर स्मार्टी भाई एजियो भाई और ड्रीम बॉय मिलकर किंग गॉर्डन को हिमलैंड का राजा बना देंगे। लेकिन जिस टाइम पर किंग गॉर्डन राजा बनने वाला होगा उस टाइम पर कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर आएगा। बाय द वे जो अगला कमेंट है इसमें लिखा है कि क्या सीजन 5 में कोई नया कैरेक्टर आएगा और आप तो नहीं पर पियो, मुझे पता है आप विजार्ड हो। अरे नहीं ब्रो मैं तो सिर्फ थ्योरी बनाता हूँ। वेल इसमें आगे ये लिखा है कि सीजन 4 का एंड में क्या होगा। तो इसमें लिखा है कि स्मार्टी भाई डेविल्स के पीछे जाएंगे और डेविल्स को मार देंगे। जब स्मार्टी भाई रेड डेविल को मारेंगे तो परपी किल्विस और होगा लाला को आजाद करा देगा। फिर परपी स्मार्टी भाई को दौड़ाएगा और स्मार्टी भाई परपी को मार देंगे लेकिन पीछे से किल्विस स्मार्टी भाई को मार देगा और सीजन एंड हो जाएगा। तो देखो ब्रो लास्ट वाले एपिसोड में होना तो डेविल्स से रिलेटेड ही है। अब मैं भी ऐसा भी हो सकता है या फिर और कुछ हो सकता है। वेल अब हम लोग देख लेते हैं अपने अगले कमेंट को। तो इसमें लिखा है कि सबसे पहले होगा लाला रेड एलिक्सिर के चैनल पर ब्लैक एंटिटी के नाम से आया था स्मार्टी भाई से पहले। वेल गाइस अभी फिलहाल मुझे इस चैनल के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन इसका पता तो लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने अगले कमेंट को। तो इसमें लिखा है कि ब्लू स्माइल वाला कौन है। सो गाइस सभी लोग कह रहे हैं कि स्मार्टी भाई के कैस्टल के नीचे एक कैस्टल है जिसमें एक पेंटिंग लगी हुई है और उसमें हुला लाला होगा लाला के साथ एक और की पेंटिंग बनी हुई है। वेल गाइस मैंने भी उस वाले एपिसोड को देखा था लेकिन मैं भूल गया कि किस एपिसोड में वो था। मैंने आज बहुत खोजा और मेरा नेट भी खत्म हो गया इसलिए अगर तुम लोग को पता हो तो कमेंट में कर दो। वेल जो अगला कमेंट है इसमें लिखा है कि ब्रो प्लीज मेक एसएमपी। सो गाइस अभी मैं फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास जो फोन है वो बहुत ही ज्यादा लो एंड डिवाइस है। इसमें रैम भी सिर्फ 3 GB इसलिए मैं कोई एसएमपी नहीं बना रहा। बस तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, नया फोन आ जाए उसके बाद मैं एसएमपी जरूर बनाऊंगा। बहरहाल जो अगला कमेंट है इसमें लिखा है कि सीजन 3 के कमांडर को परपी ने जेल में बंद कर दिया था और मेरे को डाउट है कि हमारे कमांडर को उसने ही ट्रैप्ड कर दिया। यानी कि कमांडर रेड डेविल और पर्पल डेविल से लड़ रहा था और कमांडर को उन्होंने किडनैप कर लिया। तो देखो ब्रो जहां तक लोगों को लग रहा है कि ऐसा ही है क्योंकि जो इस बाड़ी भाई का लेटेस्ट वाला एपिसोड था उसमें हमें कमांडर कहीं पर भी देखने को नहीं मिला था और कमांडर जो है फलाना जी के माइंड की क्रिएशन की रखवाली कर रहा था। तो मैं भी हो सकता है कि कमांडर को फलाना जी ने किडनैप किया होगा या फिर सभी डेविल्स ने, इसके बारे में तो ऊपर वाला ही जानता है। वेल हम लोग बात कर लेते हैं हिमलैंड के गॉड के बारे में। आखिरकार हिमलैंड में गॉड कौन है। जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड होते हैं उसमें लोगों का मानना है कि नॉच ही गॉड है लेकिन हिमलैंड के अंदर अंडरग्राउंड लॉर्ड भी है। तो अभी यहाँ पर नॉच गॉड है या फिर अंडरग्राउंड लॉर्ड, उठावे कॉइन और हेटेल कर लो। अरे जस्ट जोकिंग यार, मैं बताता हूँ कौन गॉड है यहाँ पर। तो देखो अंडरग्राउंड लॉर्ड जो है काली शक्तियों का गॉड है और जो हिमलैंड के ओरिजिनल गॉड है वो नॉच ही होंगे। वेल गाइस मैं तुम लोगों से वीडियो को लाइक करने को सिर्फ लास्ट में ही कहता हूँ और सब्सक्राइब करने को तो कहता ही नहीं हूँ। कल मैंने ये वाला ग्राफ देखा तो तुम लोगों ने बिल्कुल खराब ही कर रखा है यार, जाके सब्सक्राइब कर दो, मुझे इस ग्राफ को उल्टा चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखे तो दिल से शुक्रिया। अब बस जल्दी से हिमलैंड का लास्ट एपिसोड आ जाए। एनीवेज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, टेक केयर, गुड बाय।